जनपद स्तरीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन एनेक्सी भवन के ग्राउंड पर किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने किसानों द्वारा लगाए गए कृषि प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जनपद के अलग अलग किसानों द्वारा यहां पर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका निरीक्षण किया गया है तथा किसानों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा, प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक मंच मिला है। इस अवसर पर खजनी विधायक संत प्रसाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, और जिसे 2 एकड़ 3 एकड़ लगाएंगे तो 3-4 हज़ार लगेगा, क्योंकि इसे मशीन कम रहेगा। ये तो 1 एकड़ में लगाएं या 5 एकड़ में 10 एकड़ में, तो कम रहेगा। बाकी इसी का कम क्या होगा, वो देंगे नहीं इसके ऊपर नहीं, इसे 3 लेयर होगा सर नीचे से। चार इसी जनरली यहाँ 3 लगा रहे हैं, जैसे निलगाय है इसके लिए नीचे से 1 फुट छोड़ के लगा डाला भी आता है जी, इसमें जिसे कोई टच करेगा तो योजना में ये पिछले किसान आपका सर एक किसान प्रॉफिट भी ले रहे हैं आप, किसान भी हैं सामने सर जी, तो कर आप ही कर रहे हो, लोकल मार्केट में बिक रहा है ना जी। बहुत अच्छा, चलिए बधाई हो सर, ये खुद भी कर रहे हैं 2-3 तो जी पूरे बहुत अच्छा है, इसको आगे बढ़ाइए और प्रशासन की तरफ से आपको पूरा सहयोग करते रहे, ठीक है। पेस्टिसाइड का जो सब्सिडी 75% सब्सिडी दिया जा रहा है, और ये दीमक की भी सब्सिडी स्पेशल इंसेक्टिसाइड है, ये बायो पेस्टिसाइड नहीं है, और ये बायो फंजीसाइड है, तो उठा के जो बीमारियाँ वमारियाँ होती हैं उसके लिए सबसे, और ये सब 75% सब्सिडी और डायरेक्ट डीबीटी होता है। किसानों ने ये सब चीज़ें ये लपेटा बीज वगैरह बीज तो सब रवि का सब योजना नहीं है, हाँ चल रहा है ठीक है। अभी प्रदर्शन का निरीक्षण करने के लिए लेकिन अभी 50% से ये बब लोग पैसे डाल रहे हैं, ये सर सॉइल कंजर्वेशन वाला के कराते रहना कि इसे लाभ क्या होता है और सफलता की कहानियां बताने हैं कि मृदा परीक्षण करने के बाद अगर उसी अनुसार न्यूट्रिएंट रेजिम में डालेंगे इतना आपको उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। यूरिया का प्रोडक्ट है और अच्छी क्वालिटी का है, चल रहा है सर ठीक है। कैसा है एडॉप्शन, एडॉप्शन मिल रहा है यहाँ पे ठीक से? हाँ ये सर ये आप एक जैविक खेती के जैविक प्रोडक्ट है सर, या लोकल मार्केट में भेज रहे हो बाहर भेज रहे हो? बाहर भेजा है, एक तो सिंगापुर के फॉर्म पे नेपाल में गया, जैविक कारण में रिकवरे तो नहीं है थोड़ी बहुत उसी जगह ये सर पराग डेयरी सर ठीक है ना? हाँ सर, प्लांट कैपेसिटी बढ़ रही है? हाँ आप थोड़ी थोड़ी बोल रही पहले से बोल रहे हैं सर, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, किसान हमारा सौर अन्य जगहों को भेजा जाता है, आपसे अनुरोध है सर यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर दिया जाए, जगह हमारे पास है सर, जगह पर आप क्या ट्रेनिंग सेंटर में क्या हॉल बना रहे हैं? हॉल या उपकरण लेक्चर नहीं होता है, एक बिल्डिंग ही है, लेक्चर थिएटर होता है किसानों को जी, जब चाहिए आप कराइए ट्रेनिंग ना, जरूरी नहीं कि हम नया बिल्डिंग ही बनाए ना सर, वो आप जो हमारे इतने सारे ट्रेनिंग हॉल्स हैं वो यूज करिए, एनएक्सी जैसे किसान कृषि विभाग की कोई ट्रेनिंग, बिल्डिंग तो आपकी भी है ना सर, बिल्डिंग हमारा, और उसमें अगर प्रोजेक्टर या कुछ लगाना है वो तो हम आत्मा और अन्य योजना में करा लेंगे।
डेयरी में ही डेयरी वो तो आप लोगों ने बिल्कुल ताला पता नहीं अलीगढ़ का लगा रखा है, हम ही उसका यूज कर रहे हैं। वो तो अगर चालू हो जाए तो हम उसका यूज बढ़िया कर ले। विभिन्न संस्थाओं द्वारा, हमारे विभागों द्वारा सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रदर्शित किया गया है, किसानों को जानकारी दी गई है, अच्छे प्रतिभागिता रही है, पंजीकरण हुआ है और विभिन्न योजनाओं में उनको आच्छादन करने का प्रयास किया।